नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जिस जीएसटी को लेकर कर व्यवस्था आसान करने के दावे किए गए थे और कर व्यवस्था आसान करने के लिए ही जिस जीएसटी को लेकर आया गया था, वही जीएसटी एक बार फिर से सरकार के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है। जी का जंजाल बनी है। बार बार नियमों में बदलाव किए गए और अब विश्व बैंक ने भी कह दिया कि जेटली का जीएसटी सबसे ज्यादा जटिल है। तो सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच विश्व बैंक ने विश्लेषण किया है भारत की जीएसटी का। और विश्व बैंक ने जीएसटी पर सिर्फ सवाल ही खड़े नहीं किए बल्कि सुधार के लिए कई बड़े सुझाव दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ सुझाव दिए गए, क्या खामियां बताई गई, उसके बाद चर्चा करेंगे। जिस जीएसटी को आपने क्रांतिकारी कदम बताया, जिस जीएसटी को आपने टैक्स इतिहास में मील का पत्थर बताया, जिस जीएसटी को आपने आधी रात को संसद से लॉन्च किया, उसी जीएसटी पर विश्व बैंक ने सवाल खड़े कर दिए। विश्व बैंक के सवालों से विपक्ष की बाछें खिल गई, क्योंकि जो सवाल वो साल भर से उठाते आ रहे थे, उन्हीं सवालों को अब विश्व बैंक ने भी सामने रख दिया है। विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो वाकई केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि जिस जीएसटी को आप स्वर्णिम इतिहास बनाना चाहते हैं, उसे दुनिया की सबसे बड़ी बैंक जटिल बता रही है। आप संसद में कह रहे थे कि जिन लोगों को जीएसटी समझ नहीं आया उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। अब बताइए, क्या विश्व बैंक को भी बार बार पढ़ने की जरूरत है? विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जीएसटी बहुत ज्यादा जटिल है। 115 देशों में से भारत में टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। जीएसटी वाले 115 देशों में से भारत, इटली, लग्जमबर्ग, पाकिस्तान और घाना जैसे 5 देशों में 5 टैक्स लैब हैं। भारत के सिवाय इन 4 देशों की वर्तमान अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। दुनिया के 49 देशों में जीएसटी की एक दर है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जहां जीएसटी की दो दरें प्रचलित हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए जीएसटी में 5 स्लैब बनाए गए हैं। स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। सोने पर 3% जीएसटी तो कीमती पत्थरों पर 0.25% के दर से टैक्स लगाया गया है। शराब, पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी और बिजली के बिल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने जीएसटी के बाद टैक्स रिफंड की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई है। आने वाले दिनों में भारत में जीएसटी के हालात में सुधार की संभावना जताई गई है। टैक्स लैब की संख्या कम करने से सुधार होगा। कानूनी प्रावधानों को आसान करने से जीएसटी ज्यादा प्रभावी और असरदार होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि टैक्स लैब में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे देश के लिए जीएसटी इतना जरूरी था? और अगर हाँ, तो क्या सरकार ने बिना तैयारी के जीएसटी लागू किया? क्योंकि अब से पहले भी जीएसटी में अनगिनत बदलाव किए जा चुके हैं और विश्व बैंक के सवालों के बाद और बदलावों की संभावना है। तो क्या विपक्ष की बात सही है कि सरकार ने बिना सोचे समझे गलत तरीके से जीएसटी लागू कर दिया? स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो सवाल कई उठेंगे और सवाल इसलिए भी उठेंगे, जब जीएसटी लागू किया गया था, सरकार की ओर से कहा गया था कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक कदम है और आर्थिक क्रांति इसे नाम दिया गया था, लेकिन क्या बिना तैयारी के इस क्रांति को सरकार लेकर आई है? क्या विपक्ष जो आरोप लगाता है, कारोबारी और व्यापारी जो कहते हैं, साथ ही ये भी बात कही जाती है कि जीएसटी अभी भी समझ से परे है, उसको लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ हैं स्टूडियो में, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नीलम चौधरी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हैं हमारे साथ, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन हैं और जीएसटी एक्सपर्ट गुरदीप सिंह हैं हमारे साथ इस चर्चा में। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। नीलम जी, क्या लगता है, क्या सरकार ने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया जीएसटी का? नहीं ज्योति, देखो जल्दबाजी में नहीं, इसका डिसीजन 2000 में वाजपेयी जी के समय में लिया गया था और 2017 तक, देखो अब 17 साल के बाद, पूरा 17 साल इस पर काम हुआ है, हमारा भी, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी, तो उनका भी प्लान था इसको 2010 में इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन नहीं हुआ। तो 2017 फर्स्ट अप्रैल से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो 17 साल एक लंबा पीरियड होता है। ठीक है, एक नया सिस्टम है जो हम ला रहे हैं, वो एक ज़रूरत भी है, बिकॉज वन कंट्री वन टैक्स और वन मार्केट, इस फिलॉसफी को लेके हम चलते हैं। और एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स पूरी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक नई शुरुआत है और इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं
और वो नेचुरली किसी नए सिस्टम में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और हमारी सरकार उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने हमेशा तैयार रहती है। तो आपने कहा कि कांग्रेस ने भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस चूंकि बहुमत में नहीं थे उस वक्त, यूपीए सरकार ने कोशिश की, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप लोग बहुमत में थे, क्या इसका फायदा उठाकर इसको बिना तैयारी के जल्दबाजी में लागू किया गया? नहीं, जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। देखिए, जीएसटी एक अच्छा रिफॉर्म है। इवन यही जो वर्ल्ड रिपोर्ट जो आप सबमिट कर रहे हैं, इसी में लिखा गया है द बोल्ड रिफॉर्म जो इंडिया ने लिया है। और इसमें वर्ल्ड रिपोर्ट की खुद ही एक बीच में आप स्टेटमेंट पढ़े तो हमारी जो जीएसटी जो हमारी ये था, नहीं जस्ट फॉर अ मोमेंट, जो हमारी एनुअल ग्रोथ थी 2014 में 7. जो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ये थी हमारी 6.7 2017 में, और जो कि अब हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7.2 और 7.3 ये वर्ल्ड इसी रिपोर्ट का कहना है। अब इसमें अगर हम अपने आपको चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना 2017 में कि सबसे जटिल है जीएसटी, क्या सरकार का फेलियर नहीं, क्या मंत्रालय का फेलियर नहीं, क्या वित्त मंत्री ने जिस तरह से जीएसटी को पेश किया, क्या उसमें उसको सरल बनाए जाने की जरूरत नहीं? देखिए, जटिलता के पहली चीज तो ये है कि जैसे नीलम जी ने कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान इसकी तैयारी, देखिए वो तैयारी नहीं थी, हाँ विचार आया था, और विचार पुराना है कि देश में जीएसटी लागू होना चाहिए, विचार वाकई पुराना है, इस बारे में कतई कोई दो राय नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। इसके बहुत से उदाहरण है हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत से उदाहरण है। जिस तरह से अभी नीलम जी खुद कह रही थी कि जो अवधारणा थी वो थी वन कंट्री वन टैक्स, लेकिन इस अवधारणा को ही बदल दिया गया जब टैक्स के स्लैब 5 रख दिए, तो वो जो अवधारणा थी वो खत्म कर दी गई। मतलब जो इसका एक्चुअल दिल था, या यूं कहिए जो एक्चुअल टारगेट था, वो टारगेट खत्म हो गया, नेचुरली वो खामी बन गई इसकी, क्योंकि आपने स्लैब जो है 5 कर दिए गए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि तैयारी नहीं थी, उसका एक उदाहरण आपने ईवे बिल में ले लिया। सरकार ईवे बिल इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन पूरी तैयारी ना होने की वजह से, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से सरकार को उसको डिले करना पड़ा, क्योंकि वो कामयाबी से लागू नहीं हो पाया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, और इस वजह से ये डिले हुआ। और जहां तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस तो इतनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, खुद मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो ये बात बोलते थे कि साहब हमें समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है, और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं। हालांकि जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग होती है, उसके बाद में वित्त मंत्री जी का बयान भी आ जाता है कि इसके अंदर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, इसको सरलीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो सरलीकरण तब तक नहीं है जब तक जो रिटर्न्स हैं, देखिए पहले क्या होता था, जब वैट होता था क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाती थी, व्यापारी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे, साल में 4 रिटर्न फाइल कर गई, 4 बार टैक्स जमा करा दिया। अब क्या हो रहा है कि मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और वो जो मंथली रिटर्न है उसकी भी 3 अलग अलग कैटेगरी है। मतलब मान के चले कि हर महीने आपको 3 रिटर्न फाइल करनी है, तो साल में 36 रिटर्न हो गई, फिर उनकी एक कंसोलिडेटेड रिटर्न हो गई, मतलब टोटल 37 रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि किस तरह से सरकार ने, अब एक एग्जांपल देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है उसको तो जो लोकसभा की कमेटी होती है पीएसी, उसके पास भेज दिया जाता है उसकी समीक्षा के लिए, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर रही है वो लोकसभा की पीएसी के पास जाएगा या राज्य पीएसी के पास जाएगा, इसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है अभी तक। और एक और बड़ी समस्या है, आपको सीए साहब भी बताएंगे, जो मेरे सामने प्रैक्टिकल फेस की मैंने, अगर मान लीजिए किसी व्यापारी ने कोई टैक्स गलत कैटेगरी में जमा करा दिया, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल जीएसटी में जमा होना था लेकिन वो स्टेट जीएसटी में चला गया या इंटीग्रेटेड जीएसटी में चला गया, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, व्यापारी को दोबारा से सही कैटेगरी में टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और जो उससे गलत जमा हुआ है उसके रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। ये तमाम परेशानियां हैं, ये तमाम खामियां हैं जिनको लेकर चर्चा भी करेंगे। नीलम जी जवाब दीजिएगा, उससे पहले केवल ढीरा जी आपसे जान लें, जिस तरह से कोशिशें आप लोगों की ओर से भी की गई जीएसटी को लेकर, मोदी सरकार जीएसटी ले आती है उस पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि पूरी ही दुनिया में जितने 115 देश हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू किया है, सबसे मुश्किल सबसे जटिल जीएसटी भारत की है। नहीं देखिए, जिस समय हमारे टाइम हमारा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय जो जीएसटी का प्ररूप बना था वो वन नेशन वन टैक्स वाला था, चूंकि मोदी जी ने अपने जुमले छोड़ने थे एट दैट टाइम, इसीलिए लोकसभा के अंदर भी मुखालफत की जीएसटी प्ररूप की और उसको पास नहीं होने दिया। जहां तक वो जीएसटी था वो 2 स्लैब में था और 2 स्लैब में ही चर्चा होती रही
और इन्होंने वो टैक्स उस समय पास नहीं होने दिया, हाँ। और विधान लोकसभा भी नहीं चलने दी और वो उस समय रह गया। अब जब इनकी सरकार आई, क्योंकि वो प्ररूप हम लेके आए थे तो हमने इसका स्वागत किया जब ये लेके आए उसको, लेकिन इन्होंने वन नेशन वन टैक्स के बदले उसकी फाइव स्लैब बनाने का काम किया, जिससे और फाइव स्लैब के साथ साथ एक्साइज को बाहर कर दिया और उसके बाद जो पेट्रोल डीजल में वैट लगता है उसको भी बाहर कर दिया। जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, उसमें कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं। क्या कांग्रेस सवाल खड़े करेगी जीएसटी? देखिए, पहले ये वाली बात पूरी करता हूँ, फिर उस पर भी आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो ये प्ररूप बनाया, पांच स्लैब बनाई इन्होंने, ये इन्होंने वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स रहने ही नहीं दिया। और आज जो है, अब अरुण जेटली जी हमारे वाली जुबान फिर दोबारा यू टर्न, जैसे जितने यू टर्न इन्होंने लिए, हाँ। अब इसके ऊपर भी यू टर्न की बात आज अरुण जेटली जी ने सुझाव में लिखी है और इन्होंने कहा है कि इसके दो स्लैब होने चाहिए, एक 12% और एक 18% होना चाहिए। ये भी अब एक नया यू टर्न है। और आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो है सरकार, सारी की सारी यू टर्न की सरकार है। जितना चार साल का इनका पीरियड रहा, उतने में सारे ही जितने काम इन्होंने बदले थे, उस सारे कामों को यू टर्न जो कांग्रेस ने करे थे वही वाले काम लेके आ रही है। और भारत सरकार जो है फेलियर साबित हुई, क्योंकि इन्होंने अपना कोई काम नहीं आज तक किया। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो जीएसटी काउंसिल पे, अब देखिए जो जो एक काउंसिल की बात होती है, तो ये जितने भी प्रदेशों में सरकारें हैं वो जो है बीजेपी की जो सरकारें हैं वो उसकी मेजोरिटी कंप्लीट करती हैं, जिसमें ये अपना जो मुद्दा रखते हैं उसको अपने आप पास करा लेते हैं। जहां कांग्रेस की मंजूरी आती है वहां उनको नल एंड वाइड करने का काम करते हैं, सुनते नहीं उनको, हाँ। क्योंकि ये भाजपा की सरकार चार साल में एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। आज आप देखें जितने एनडीए के साथी इनके साथ लगे हुए थे सारे एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, और एक आधा जो बचा है, दो आदमी जो बचे हैं वही इनके पास रह रहे हैं और वो भी चुप करके कर रहे हैं। और जिस तरह से इनकी हालात है, इनके साथ सारी पार्टियां जो है विमुख हो चुकी हैं। देखिए, सवाल तो उठता है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री ये कहते हैं कि राजस्व जब बढ़ेगा दो ही स्लैब रखे जाएंगे, 12% और 18%, क्या देरी से सोची जाती है चीजें? एक मिनट, जो जीएसटी काउंसिल है उसमें स्टेट्स के भी मेंबर्स होते हैं, जो इधर वो टैक्स और फाइनेंस जो मिनिस्टर्स होते हैं वो, और रही बात कांग्रेस की, वो तो वैसे ही सिर्फ 3 स्टेट्स में बची है। तो फिर जो सवाल आते हैं कि अभी जैसे अत्रे जी ने भी कहा, पहले बात ये कि पांच स्लैब्स की, जिसमें कि एक तो जीरो स्लैब भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको 0% टैक्स पे रखा गया, तो बचे 4। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे गेहूँ दाल चावल है और मर्सिडीज कार तंबाकू, इन सब के ऊपर एक जैसा टैक्स तो नहीं लग सकता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हमारी इस वर्ल्ड रिपोर्ट ने खुद माना है कि इंडिया जो तो है एक देश एक कर की जो कहें कि प्रक्रिया जो शुरू की जानी चाहिए। नहीं, इसमें एक देश सारे देश में भी अपने आप में यही है, बहुत सारी चीजें जटिल इतना कर दिया गया कि पढ़ा लिखा इंसान इसको नहीं समझ सकता। इट्स वेरी सिंपल, जो सीए है वो भी नहीं समझ सकता, एक आम इंसान, एक आम व्यापारी, एक छोटा व्यापारी इसको कैसे समझे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। मेरे जैसा आम आदमी समझ सकता है तो कोई भी समझ सकता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो स्लैब्स है, हमारी जो इंडिया की डेमोग्राफी है बिल्कुल एक रेयर काइंड ऑफ इकोनॉमी है, बाकी कंट्रीज का ऐसा नहीं है, और हमारी कंट्री का साइज देखो तो उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई करना जरूरी था और वो इजियर है। हाँ, जैसे कि एक वाकई बहुत कमाल है, 15 देशों में से भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है, भारत की पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि सबसे ज्यादा जटिल भारत के लिए किया जाना जरूरी है, सबसे ज्यादा जटिल किया जाना भारत के लिए जरूरी है। चलिए अत्रिता बोलिए, देखिए ज्योति एक चीज है, मैं अभी आएंगे आपके पास, नीलम जी सुनिए, आपने एक बात कही कि आप अगर समझ सकती हैं तो आम इंसान भी समझ सकता है। मैं भी बहुत साधारण ही हूं। हां बिल्कुल ठीक है, आप क्वालिफाइड है, एडवोकेट है, लेकिन मैं अगर आपसे जीएसटी के बारे में एक सवाल पूछूं, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा दिक्कत आएगी जवाब देने में। आप जानते हैं इसमें एक रिवर्स चार्ज का प्रावधान है, वो क्या है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम इसलिए बता रहा हूं। देखिए क्या है, होना तो यह चाहिए था कि सरकार छोटे व्यापारी को राहत दे, छोटे व्यापारी को ऐसा मौका दे कि उसका व्यापार करना आसान हो, लेकिन यहां पे क्या कर दिया, अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड वेंडर है, बड़ा वेंडर है, और वो किसी छोटे वेंडर से कोई खरीदारी करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ। तो यहां पे
बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो छोटे वेंडर जो है जिससे वो खरीदारी करेगा उसका टैक्स उस बड़े वेंडर को जमा करना पड़ेगा जिसको रिवर्स चार्ज का नाम दिया गया है। हाँ। इससे एक तो क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बिजनेस में, या उसके पास दूसरा कदम क्या है कि वो उस छोटे दुकानदार से धंधा ही नहीं करेगा, व्यापार ही नहीं करेगा, वो भी चाहेगा कि मैं रजिस्टर्ड वेंडर से ही करूं कि मुझे इस रिवर्स चार्ज के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इससे क्या हुआ, जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा वेंडर है, उसका धंधा ही चौपट हो गया, क्योंकि उससे बड़ा वेंडर उसके साथ काम करना नहीं चाहता। इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है नीलम जी, जिसको सरकार को समझना चाहिए था। जी, इसमें इसी चीज को मैं छोटा सा जवाब देती हूँ कि जो बेसिकली जो जीएसटी है वो टेक्नोलॉजी डाइवर्टेड है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मींस आपको, आपके पास एक रजिस्टर्ड आईडी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, आपकी जो रिटर्न्स है वो ऑनलाइन होंगे, तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन होने से, ट्रांसपेरेंट होने से जो टैक्स भी कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। पूरा देश इसको समझ चुका है कि जीएसटी क्या है, पूरा देश इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, लेकिन समय जरूर लगेगा, दिक्कतें आए, ये शुरुआत है, दिस इज नॉट एन एंड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ ए प्रोसेस, शुरुआत है, उसमें दिक्कतें आती हैं। कितना जटिल है जीएसटी को समझना और क्या जरूरत पड़ जाती है कि विश्व बैंक भी ये कहता है कि सभी देशों में भारत का जीएसटी सबसे मुश्किल, सबसे जटिल है। नहीं, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी का आना अपने आप में एक अच्छी बात है और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ है उसमें थोड़ी सी कुछ खामियां रह गई हैं। इस जीएसटी को लाने के लिए पिछली सरकारें भी काम करती रही हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको आने में जुलाई 2017 में ये आया था। इसके आने से कई इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो सर्विस टैक्स हुआ, कस्टम्स हुआ, एक्साइज हुई और वैट वगैरह हुआ, ये इनको हटाने के लिए ही आया था और सिस्टम्स को ट्रांसमिट करने के लिए और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आया था और प्राइजेस को कम करने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय में, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तो हमें एज अ प्रोफेशनल्स थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, क्योंकि अभी लॉज एंड बुक्स एंड नोटिफिकेशन भी हम लोगों के पास नहीं आई थी, थोड़ा सा समझाने में हमको मुश्किल हो जाता था। हाँ। लेकिन इतनी बड़ी दुविधा नहीं आई थी, ठीक है। जीएसटी लाया गया था एज अ सिंगल टैक्स, ठीक है, लेकिन सिंगल टैक्स की जगह जैसा कि नीलम जी ने बताया और झिंगरा जी ने भी बताया कि इसमें मल्टीपल टैक्सेस आ गए, 0% से टैक्स लेवल अलग अलग और हायर रेट भी हो गए, ठीक है। लेकिन इससे ये सुविधा भी रही है कि एसएससीज को अपने पोर्टल पर देख के हमारी जो चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं कि हमारा इस समय स्टेटस क्या है, हमारा क्रेडिट क्या है और हमारा इनपुट क्या है। लेकिन क्योंकि टैक्स रेट हाई है और हमारे को एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसके इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि सिस्टम्स अपडेटेड नहीं थे, डेटा अपलोड करने में, रिटर्न्स फाइल करने में, मंथली रिटर्न्स फाइल करने में, एक आम आदमी के लिए नया है, आम आदमी के लिए मुश्किल है, हर आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर इसको ठीक किया जाएगा तो अच्छा संदेश देगा और अच्छा काम करेगा। राजीव रंजन जी, कैसे समझा जाए इस बात को कि 115 देशों में जीएसटी लागू किया गया है लेकिन भारत का जीएसटी सबसे मुश्किल? ये देखिए ज्योति, इसमें 115 देश कंट्रीज का इन्होंने सैंपल के आधार पे ये कंक्लूजन्स निकाले हैं। इन्होंने इस बात को माना है कि कम्प्लेक्स प्रोसीजर है इंडिया में, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ये एज ए कंट्री भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये फेडरल डेमोक्रेसी है जहाँ स्टेट्स और सेंटर के बीच में कई इश्यूज पे डिफरेंसेस रहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब यह पेट्रोलियम को जब जीएसटी के अंदर में लाने की बात हुई तो असम के तब चीफ मिनिस्टर थे तरुण गगोई साहब, उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, आप पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर मत रखें, आप अगर इसको भी अपने पास रख लेंगे फिर हमारा जो डिपेंडेंस है आप पे और बढ़ जाएगी, आप पेट्रोलियम को इससे बाहर रखें, एक सलाह था, सरकार ने मान ली, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। हमें यह भी देखना, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी हम यह एस्पेक्ट देख रहे हैं, हमको इसे खामियां क्या हो रही, परेशानियां क्या हो रही है, स्लैब्स की हम बात कर रहे हैं, स्लैब्स इज परफेक्टली ऑल राइट, स्लैब्स पहले भी बहुत ज्यादा थे, पहले तो मल्टीपल स्लैब्स थे, आप गिन नहीं सकते हैं कि कहां कितना टैक्सेस लगते थे, लेकिन अब यहां कम से कम ये चार जीएसटी की तुलना सिर्फ जीएसटी से की जाए, जीएसटी से पहले क्या कर व्यवस्था से, अब जीएसटी ये जो हां हो सकता था उससे अगर तुलना की जाए। हाँ, अभी देखिए ज्योति जी, जो स्लैब्स की हम बात कर रहे हैं, स्लैब्स देश, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, मेडिसिन्स पे कोई जीएसटी नहीं है, किसी पे नहीं है, कुछ मेडिसिन को छोड़ करके, और पूरे जितने रिटेलर्स हैं वो ग्राहक से जीएसटी वसूल के नाम पर के उसको एमआरपी पे बेच रहे हैं, ये भी एक एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अब इस प्रकार का जो कोई काम करेगा तो जीएसटी में आप पकड़े जाएंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि टैक्स रिविजन को जो रोक रहा है, देखिए टैक्स कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो नहीं पे कर रहा है ना ज्योति जी, टैक्स तो पीपल पे कर रहा है,
लोग पे कर रहा है, हम आप पे कर रहे हैं, अगर हमको आपको जब प्रॉब्लम होगा तो हम करेंगे। दूसरी सबसे कंप्लायंस की जो बात हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है। इन्होंने 115 कंट्रीज का जो सैंपल किया, इनको ये भी वर्ल्ड बैंक को बताना चाहिए था कि कहां कहां इस प्रकार का कहां का इंप्लीमेंटेशन और सक्सेसफुल हुआ। अब आप इंडिया की तुलना यूनाइटेड स्टेट से करेंगे, ब्रिटेन से करेंगे, जर्मनी से करेंगे। और एक बात हमें यह भी देखनी है, अभी इस जीएसटी का एक साल भी नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से मैं बता दूं यह क्रांतिकारी कदम है। कांग्रेस के टाइम में ये प्रॉपर तरीके से वो ला रहे थे। बैंक ने ये कहा कि जिस तरीके से लागू किया गया उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा पटरी पर अर्थव्यवस्था को आने में, देश को आने में। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, इसमें बात ये थी कि जो वन नेशन वन टैक्स था वो सिर्फ दो टैक्स थे। अभी उसमें इन्होंने जो किया, पहले 5, फिर 12%, फिर 18, फिर 28, फिर 40, फिर 53, फिर 58। अभी 40 कोल्ड ड्रिंक पे है, आपको पता नहीं है शायद, आपको बता रहा हूं मैं, 53, फिर उसके बाद 58। जितने ये टैक्स थे, आज अरुण जेटली जी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने खुद माना कि 12 और 18 दो रखे जाए। अब इन्होंने यूटर्न ले लिया। अभी मैं दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, नीलम जी ने अभी कहा कि ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, दो दो बनने के लिए फिर अरुण जेटली जी ने, अब या तो अरुण जेटली जी ठीक है या नीलम जी ठीक है। एक और बात बताऊंगा, अगर जो राजीव जी कह रहे थे कि गोगोई जी की उन्होंने जो सरकार थी उनकी सलाह इन्होंने मान ली, लेकिन आज जो बात जो कर रहे हैं अभी अरुण जेटली जी, वो गोगोई जी की सलाह को अब खत्म कर रहे हैं। अब ये देखिए ना, अब ये पहले कभी कुछ करते हैं, ज्योति जी लेके गोगोई जी की सलाह को नहीं मानते। ज्योति जी अगर दो स्लैब करते हैं, ज्योति जी जो दो स्लैब होगा तो 5% वाले पे 12% टैक्स बढ़ जाएगा। आप देखिए, अरे गोगोई जी की सलाह की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं गोगोई जी, ये दो टैक्स करने की बात बार बार कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। जिस सुनिए राजीव जी, आप अपनी जीतने पर छोड़े, आप तो ये कोई भी तरीका नहीं है। ज्योति ज्योति एक मिनट, एक एक और सुनिए, एक ध्यान से रख के हम लगाते हैं। जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, जीएसटी तो उसने पे करना है। नीलम जी ने तो अपनी अगर कोई फीस ली तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना है, लेकिन जो आम बिजनेसमैन है, एक मान लो एक सुपरमार्केट का राशन वाला दुकानदार है, उसने असली में जीएसटी पे करना है। आप ये देखिए उसके ऊपर कितने टैक्स लग रहे हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%। तो पहले जो वैट बना हुआ था उसमें क्या गलती थी, फिर वही ठीक था। और जिस तरह से आपको एक और चीज बताऊं, टैक्स स्लैब ज्यादा है, ये भी परेशानी है, सारी पूरी दुनिया में टैक्स देने में क्या परेशानी है। एक और चीज है इसके अंदर, एक कंपोजिशन टैक्स ज्यादा है दूसरे नंबर पे। ज्योति जी एक और चीज है इसमें जो उनको दिखते आ रही है, मैं वो चीज बताना चाहता हूँ, एक उसमें कंपोजिशन भी। अगर आप कंपोजिशन के ऊपर देखें तो कंपोजिशन वो इस तरह का टैक्स है कि वो आदमी इंटरस्टेट अगर उसकी फायदा लेना चाह सकता है तो वो इंटरस्टेट ले सकता है, आउटर स्टेट नहीं ले सकता। तो एक एक अगर कोई एक सिगरेट बेचने वाला या एक छोटा दुकानदार भी है, वो भी इंटरस्टेट से कोई चीज नहीं लेता। अगर वो मान लो एक कोई भी चीज छोटी सी ले रहा है तो बाहर से ले रहा है, वो छोटी चीज है। हमें यह समझने की जरूरत है, टैक्स पे कौन कर रहा है, टैक्स कलेक्शन आप वंचित ज्योति जी, टैक्स कलेक्शन लोगों से हो रही है, ये बीच में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आम आदमी की भाषा को समझ नहीं पा रहे, आम आदमी से टैक्स लेकर के बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है, आपको तो टैक्स की बात कर रही है, आप तो लोगों से बिजनेसमैन टैक्स ले रहे हैं। समान जी क्या आसान नहीं हो सकता था, नहीं ये इसमें देखिए कॉमन मैन, देखिए नहीं ये बहुत आसान है, बहुत आसान टैक्स है, बिल्कुल 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 आसान ये टैक्स है, इसमें कुछ नहीं मालूम है, वो जानते नहीं है टैक्स के बारे में। आपको इकोनॉमिक्स पे क्या, दो चीजें हैं राजीव जी, देखिए दो बातें हैं। पहली चीज तो ढिंगरा जी ने अभी एक बात कही कि जो जीएसटी है वो तो व्यापारी को पे करना है, ऐसा नहीं है। जीएसटी पे तो उपभोक्ता को करना है, जो एंड यूजर है। लेकिन देखिए दो एस्पेक्ट है इसके, एक एस्पेक्ट है व्यापारी, दूसरा एस्पेक्ट है इसका आम कंज्यूमर, आम उपभोक्ता। सरकार का कर्तव्य होता है कि आम उपभोक्ता पे टैक्स का बोझ ज्यादा ना पड़े और व्यापारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसे, उसका हाँ। व्यापार करना आसान रहे, आसान सरकार का ये फायदा। एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए भैया जी रुकिए, मैं वही बोल रहा हूं, सुने आपने मेरी, अरे आपने मेरी पूरी बात सुनी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मेरी पूरी बात सुनी, वही तो बोल रहा हूँ, अरे भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, व्यापारी का व्यापार करना आसान हो जाए, सरकार का ये कर्तव्य बनता है, और आम उपभोक्ता के ऊपर टैक्स का बोझ ना पड़े ये भी सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस वस्तु पे जो टैक्स दर निर्धारित की जा रही है क्या वो वाजिब, आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अगर हम जाके बात करें, किसानों के यूज की, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की बात करें, जहां पे किसान को राहत मिलनी चाहिए थी कि इंप्लीमेंट
उसके लिए महंगे ना हो जाए। हाँ। वहां पे अगर टैक्स लगा दिया जाए 18% 28% 12% तो ये किसान के साथ एक अन्याय है। दूसरी तरफ अगर किसी व्यापारी को एक एग्जांपल देता हूं, पहले क्या होता था, आम जो कोई उद्योग है या कोई बिजनेसमैन है जिसका दो स्टेट में अलग अलग ऑफिस है, वो स्टॉक ट्रांसफर करता था, एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफर होता था, उस पर किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद अगर वो स्टॉक ट्रांसफर करता है तो वहां पे भी जीए, अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनो तो अभी ढिंगरा जी सुन लो पहले पूरी बात ध्यान से। वहां पे भी क्या है कि आपने उसमें टैक्स का प्रावधान कर दिया, जिससे होता यह है कि बिजनेसमैन का जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है व्यापार के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जिस तरह से ईवे बिल लागू किया, ईवे बिल में क्या है कि आपको माल के चलान के साथ जो एक तो सरकार को आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्फॉर्म करना होगा थ्रू कंप्यूटर, और दूसरा वो जो फॉर्म है वो आपको चलान के साथ रखना होगा। हालांकि इस तरह का प्रावधान पहले फॉर्म 38 में होता था और वो एक कॉम्प्लिकेशन मानी गई थी व्यापारियों की तरफ से। होता यह है कि जैसे चौटाला साहब ने क्या किया था, ST 14 ST 15 ये खत्म कर दिए थे कि व्यापारियों को दिक्कत ना आए, उनका व्यापार करना आसान हो जाए। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, व्यापारियों के लिए परेशानी ज्यादा हो गई है। व्यवस्था आसान हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल जहां पहुंचे हैं 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, कर व्यवस्था पूरी तरह से जटिल हो चुकी है, क्या फेलियर नहीं है? नहीं नहीं ज्योति, इन सब से सारी चीजें आसान हो रही है। जैसे ईवे बिल ही है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको सिर्फ वहां पे एक आईडी अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ, वो भी सिर्फ वो लोग जिनका पास 50,000 से ज्यादा का सामान है, अगर ऑलरेडी आईडी बना हुआ तो उसी टाइम उनको नेक्स्ट स्लिप मिल जाती है, नहीं है तो वो उनका फिर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्लीज जो जीएसटी पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करने के बाद सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप जैसे उसको ओपन करते हैं, जैसे आप अपना फेसबुक का अकाउंट रजिस्टर करते हैं खोलते हैं, उसी तरह से उसका आईडी और पासवर्ड डाल के आपको अपना अकाउंट खोलना है और सारी एंट्रीज उसमें करते रहना। तो ये इसमें हर चीज एकदम करेक्टली अपडेट होती है, और जितनी भी अगर किसी का रिफंड होता है वो भी टाइमली, आपको ऑनलाइन हर चीज आपको ऑनलाइन करनी है, रिफंड भी जैसे अत्र जी कह रहे थे कि मिलता नहीं है, आपको रिफंड ऑनलाइन करना है, बिकॉज हमारी हर चीज जो है, हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जिसमें कि जो इंटरनेट है, जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो बहुत जरूरी है, उसे हर समय हर तरह का डेटा हर किसी के पास अवेलेबल रहता है, हमारा भी समय बचता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इवन गोदी भी एप्लीकेशन है। गुरदीप सिंह जी, नहीं ऑफ कोर्स बहुत बड़े बदलाव और सुझाव की जरूरत है इसमें, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटर्न फाइलिंग में कंपोजिशन स्कीम्स का, जैसे उन्होंने बताया कि जहां 75 लाख तक की टर्नओवर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कंपोजिशन स्कीम्स, ठीक है, हां रेट वो रखा गया, और उस पर भी अभी ट्रेडर्स जीएसटी को जब लागू किया गया था तो विपक्ष की ओर से कहा गया कि जल्दबाजी में लागू किया गया, इंप्लीमेंट किए जाने में कई खामियां हैं। एक बार फिर से विश्व बैंक की ओर से कहा गया है कि कई सारी खामियां हैं, जिसको लेकर सुझाव भी दिए गए हैं कि पूरी ही दुनिया में जहां जहां जीएसटी को लागू किया गया है, भारत का जीएसटी सबसे जटिल है। तो इसको लेकर दर्शक क्या सोचते हैं, व्यापारी कारोबारी या फिर एक आम आदमी को कितना समझ आया है जीएसटी, इसको लेकर फोन कर सकते हैं आप और राय दे सकती हैं, बड़ी बात में सवाल भी कर सकते हैं आप। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं नीलम जी, क्या लगता है अभी सुधार करेगी सरकार, बदलाव करेगी, हालांकि पहले भी कई बदलाव किए गए थे काउंसिल की ओर से? ज्योति जैसे पहले कहा कि ये एक नया सिस्टम है और इसमें सुधार के उतने ही चांसेस हैं जैसे किसी भी नए सिस्टम में होते हैं, और शुरू में चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे और आ भी रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जैसे अभी फोर्स लैब्स का ही था जो हमने अभी डिवाइड किया, और जेटली जी ने जो कहा कि आने वाले टाइम में एक तो ये रेट्स भी थोड़े से कम होते चले जाएंगे, और जैसे ही हमारा ये प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी जो है टू टैक्स सिस्टम पे आ जाएंगे, यानी कि वो अभी कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो ये एक प्लान है जब राजस्व बढ़ जाएगा। हाँ तो वही तो मैं आपको कह रही हूँ, कांग्रेस ने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, कह रही हूँ कि इमीडिएटली ले आएंगे, जैसे ही हमारा टैक्सेशन सिस्टम स्टेबलाइज होगा डेफिनेटली और चेंजेस आएंगे, जितना ज्यादा सिंपलर होता जाएगा उतना ज्यादा इफेक्टिव भी होता जाएगा और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप ये मत सोचे कि अभी हो जाएगा और हम लोग यू टर्न ले रहे हैं। हाँ। एक सिस्टम नया है, उसमें काम करने में वक्त मिलेगा, जैसे जैसे चीजें जो स्टेबलाइज होती जाती हैं उसी तरह के जितने चेंजेस, इवन आप देखें एक तो टैक्स रेट भी कम हो गया, समय सीमा के अनुमानित कोई समय सीमा, एक से एक जीएसटी आसान हो जाएगा। जो कि वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस जीएसटी की वजह से हुआ क्या है कि एक तो कॉस्ट प्राइस भी चीजों की कम होती चली जाएगी और एक उसका सेलिंग प्राइस भी, तो अल्टीमेटली जो एंड यूजर है कंज्यूमर है उसको वो चीजें सस्ते रेट में भी मिलेंगी। ये जीएसटी का जो वन मार्केट का जो हमारा फॉर्मूला है ये भी उसमें
इफेक्ट करता है। तो चीजों के रेट भी कम आएंगे, टैक्सेशन भी कम होगी। ने कहा है कि काफी लंबा वक्त लग जाएगा, लंबा वक्त खर्च हो जाएगा अर्थव्यवस्था को पटरी में आने में। नहीं नहीं, बहुत लंबा वक्त नहीं है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि क्या सरकार के पास कोई अनुमान है उसको? जी जी जी, जस्ट वेट वेट फॉर अ मोमेंट। एलन कोसे की जो आप मुझे मैं स्टेटमेंट पढ़ के दिखाती हूं, उन्होंने कहा है कि आई वुड नॉट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म नंबर्स कि हमें कितनी जल्दी मैं इसमें चेंज ले आऊंगा। आई वुड लुक एट द बिग पिक्चर फॉर इंडिया एंड बिग पिक्चर इज टेलिंग अस दैट इट हैज इनॉर्मस पोटेंशियल। तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे, अभी जटिल जो है उसका सामना। आप ये नहीं कह सकते कि 3 महीने या 4 महीने में हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी इस अडेप्टेशन प्रोसेस के साथ अडेप्ट करते हैं। देखिए नीलम जी, आपने एक बात कही कि जीएसटी की वजह से टैक्स कम हो जाएगा एंड यूजर जो है चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपको पता है हरियाणा में पहले किसान की खाद पे कोई टैक्स नहीं होता था, अब आपने 5% लगा दिया। आप मुझे बताइए किस मैथमेटिक्स के हिसाब से वो सस्ती हो गई? वो तो महंगा हो गया। आप देखिए इंप्लीमेंट्स जो और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, पंप सेट के ऊपर आपने 18% लगा दिया, वो किस हिसाब से सस्ता हो गया? आप इस बात को नीलम जी समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो टैक्स दरें निर्धारित की हैं वहां पे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक कोताही हुई है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स होना चाहिए, और शायद उसका कंफ्यूजन स्लैब ज्यादा होने की वजह से और सरकार का नजरिया कुछ वर्गों के प्रति नकारात्मक होने की वजह से इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो है। एक जो दूसरी बात, इसमें एक बड़ी अजीब चीज और भी है। इसमें क्या किया कि अगर कोई जीएसटी टैक्स के अंदर व्यापारी मान लीजिए टैक्स का रिफंड ज्यादा ले लेता है और उसका यूटिलाइजेशन गलत है, रिफंड लेना गलत है, तो उसमें सीधा सीधा 5 साल की सजा का प्रावधान है। कहीं ना कहीं व्यापारी ये समझ रहा है कि उसको चोर मान लिया गया, उसको अपराधी मान लिया गया। लेकिन दूसरा क्या है ज्योति, कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी विभाग का किसी व्यापारी की जानकारी लीक कर देता है, हालांकि व्यापारी की जानकारी जो टैक्स संबंधित बहुत गोपनीय होती है वो लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मात्र 25,000 रुपए का जुर्माना है, ये भी बड़ा अजीब है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से निर्धारण किया है टैक्स का वो जीएसटी में सही नहीं है, व्यापारी दृष्टिकोण से भी और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी, जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे इस वक्त फेस करने को। इसके साथ ही मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूँ, कपड़े के ऊपर पहले जीएसटी नहीं था, अब इन्होंने 5% लगाने का काम किया, जो एक कफन के ऊपर जो बंदे की मौत हो जाती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आपको एक और बात बताऊं, जो इन्होंने टैक्स की मार जो दुनिया को दी है, आपने कहा था कि हम जो है वन नेशन वन टैक्स देंगे, लेकिन आपने 5 स्लैब बनाई। जब आपने अब प्रपोजल लाए तो वो 12-18 का लाए, और 12% और 18% भी ज्यादा है, क्योंकि आप ये देखिए जो कई कंट्रियां हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टैक्स जो है वो 18 है, लेकिन वो आपने उसको 12 और 18 रखने का काम किया। जो कांग्रेस के टाइम था टैक्स स्लैब वो 7% और 14% था, 7% और 14%, ये दो प्रोविजंस कांग्रेस के टाइम जो स्लैब बनी थी उसमें थी। इसको भी इन्होंने अभी तक ये कहा कि ये 12 और 18 रखेंगे। नीलम जी ने अभी जेटली जी की स्टेटमेंट सुनी नहीं थी, अब सुनने के बाद इन्होंने कह दिया कि कम करेंगे। चलो मान ली बात, आपने ये बात मान ली कि कम करेंगे, लेकिन आपने यूटर्न कर लिया। जब आपने 5 स्लैब बनाई थी तो वो पहले ही 2 बना देते, जब हमारा प्ररूप आपके पास था। आप एक्सपेरिमेंट करते, इन्होंने एफडीआई पे भी ये कहा कि एक भी बार हम जो है एफडीआई लागू नहीं होने देंगे, 49% एफडीआई को अब 100% लागू करने का काम किया। हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं सुरेंद्र राय, क्या है आपकी जीएसटी को लेकर? मैं सुरेश शर्मा कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं जी सर बोलिए सर, इसमें जो जीएसटी के अंदर जो लागू हुआ है उसका जो बेसिक फंडा था वन नेशन वन टैक्स वो नहीं हुआ है। उसमें आपने इतने अपने आपने स्लैब लगा दिए हैं, उसमें चार पांच स्लैब कर आपने उसका किया, तो वन नेशन वन टैक्स नहीं रहा। अच्छा दूसरा, आपने कहा था कि जीएसटी आएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, कंज्यूमर को जनरल पब्लिक को बहुत फायदा होगा, मगर किसी भी चीज का प्राइस कम हुआ हो तो एक भी चीज इंस्टेंस बता दे कि उस पर प्राइस कम हुआ है। तीसरा, कि अगर आप सोने के बिस्कुट के ऊपर आप 3% टैक्स लोगे और खाने वाले बिस्कुट के ऊपर 18% टैक्स लोगे। दूसरा, ट्रैक्टर के ऊपर जो BMW आप गाड़ी लोगे उस पर 6% टैक्स है और ट्रैक्टर लोगे तो 18% टैक्स है। ये नेशन वन टैक्स और पब्लिक जनरल पब्लिक को कहां रिलीफ मिला इसमें? ये तो हर आदमी को आम जनता के लिए राहत कहां है, ये बड़ा सवाल है। वाकई बहुत सही आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया आप कार्यक्रम में जुड़े, ये सवाल आपने किया। इसके पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आने हैं अगर आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे, और
अगर आएंगे तो उसके लिए क्या अनुमानित समय कोई है सरकार की ओर से, ये सवाल है। विजय हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी मैं ये कह रहा था ये जीएसटी लगाने पर ये बोला 100 रुपया का, तो कह रहे 100 रुपया लगाओ। हमें आज 100 रुपया की प्लांट में गए थे, उसने पूछा है 5% जीएसटी लग गया। हाँ। इस पर भी क्या जीएसटी लगा हुआ, 100 रुपया का बढ़ावा दे रहे हो और फिर उस पर जीएसटी लगा रहे हो, तो ये बताओ टैक्स हर चीज में टैक्स लगा दिया क्या करे। हर चीज में टैक्स लगा दिया। शुक्रिया आपका बड़ी बात में जुड़ने के लिए। आप भी राय दे सकते हैं, जीएसटी कितना रास आया, कितना जटिल आपको लगता है, विश्व बैंक ने जो कहा वो कितना समझ आया, उसको लेकर फोन कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। गुरदीप सिंह जी, क्या बाजार में पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आने थे उस तरह के नजर आने लगे, अभी लंबा इंतजार है? नहीं, अभी तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि समझने में वक्त लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लग रहा है। और मैडम जी बैठे हैं, नीलम जी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जैसे रिटर्न्स फाइलिंग की है जीएसटीआर 3B, जिसको कि हम हर मंथ में भरते हैं, जीएसटीआर 1 है, जिसको कि 1.5 करोड़ से नीचे की जिनकी टर्नओवर है उनको क्वार्टरली भरना है, और जिनकी 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उसको मंथली भरना है। लेकिन हर महीने ये डेट एक्सटेंड हो जाती है और टाइम टू टाइम इसको नोटिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से हम प्रोफेशनल्स को, व्यापारियों को काफ़ी समय लग जाता है इस चीज़ में कि हमारी रिटर्न अपलोड हुई कि नहीं, हमारे को क्रेडिट मिला कि नहीं मिला या कब मिलेगा। और जहाँ तक अगले फॉर्म्स की बात है, जीएसटीआर 2, 3, ये अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुए हैं। और कई केसेस ऐसे हैं कि जैसे कि एक स्टेट में आपने अगर टैक्स दिया हुआ है तो दूसरी स्टेट में जाके उसका इनपुट नहीं मिलता। कोई व्यापारी दिल्ली गया, उसने कोई खर्चा किया, वहाँ स्टे किया, होटल में रहा, वहाँ पे उसने कोई टैक्स पे किया, तो उसको जिस स्टेट का उस स्टेट का इनपुट नहीं मिला, ये परेशानी भी है। और सारी चीज़ें जैसे कि सभी ने बता दिया है कि कंपोजिशन का तो वही है कि मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को दिए, अपार्ट फ्रॉम जो रेस्टोरेंट्स हैं, कि आप जो उसमें क्या है कि इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है उस पर भी जो रेट है, मेरे ख्याल अभी 5% है और 1% है, 2% है, वो आपको ग्रॉस टर्नओवर पे है, उसके लिए रिटर्न्स थोड़ी कम है, लेकिन व्यापारी को इनपुट टैक्स उस पर नहीं मिलेगा, उसको इस चीज़ का नुकसान होगा। अदरवाइज वो स्कीम अच्छी है कंपोजिशंस की, अगर उसमें ज्यादा लोगों को कवर किया जाता है तो। नहीं, अगर वो इंटरेस्ट रेट में है तो फिर क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि सभी देशों में एक चीज और एक चीज भी और कहना चाहूंगा, जैसे सबसे ज्यादा रेट, एक चीज आएंगे आपके पास जवाब दीजिएगा राजीव जी। इसमें ज्योति जी देखिए दो बातें हैं, ये जो वन टैक्स वन नेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो नारा जो दिया था सरकार ने, ये वन टैक्स वन स्लैब का नेशन ने ये नारा नहीं दिया था। टैक्स तो वन ही है, स्लैब तो एक दो होंगे ही, ऐसा तो हम हिंदुस्तान में सारे लोग रिच नहीं है, तो स्लैब्स तो उनको ध्यान में रख के रखना पड़ेगा। 0% जितने सामान्य आदमी की कंजम्पशन की जो चीजें हैं उस पर 0% टैक्स है, थोड़ा बहुत 5% है, मुझे लगता है 5% वाले भी अब ज्यादातर 0 कैटेगरी में आ जाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सबसे जो अहम बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है हिंदुस्तान में वो बिल कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और जीएसटी का तो वापसी के साथ एक बार के लिए रोकेंगे। एक दर्शक इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, रणधीर है हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणधीर राय क्या है आपकी? ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। जब ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स लगाया था, उन्होंने कहा कि ये गुंडा टैक्स है। 10 साल की इनकी सरकार ने उस गुंडा टैक्स को इन्होंने निकाला नहीं, और उस टैक्स से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था हरियाणा सरकार को। आज देखो हरियाणा की 10 साल में क्या पोजिशन है, कितना हरियाणा का खर्चा हुआ, अभी देखो। तो ये वैट के ये खिलाफ थे, तो आज ये फिर वन टैक्स वन नेशन के क्या हक ना होंगे, दिग्ना साहब इसका जवाब दें। हमने तो गुंडा टैक्स हटा दिया जी, ये गुंडों की सरकार भी हटा दी, 15 साल से गुंडों की सरकार बाहर है। अब ढिंगरा साहब बजाय आप सही जवाब दो, ये वैट का जिक्र किया था और जब वैट हमने लागू किया था, यही जो हमने जीएसटी थे, जो हमने जीएसटी बनाया इसका जो वो बड़ा 7% 14% बनाया था। लेकिन सवाल वाजिब है जब हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए, वैट को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस खिलाफ है, वैट को लेकर बात की जाए लेकिन जीएसटी पर रहे नहीं सकते। जीएसटी पर थी वो क्या थी? अरे वो आप जब वैट लागू किया था तब आपकी भाषा कुछ और थी, आज आपकी भाषा वैट को लेकर जो सो चीज रही ठीक है सर, आप सुन वैट को लेकर कई बार चर्चाएं की गई, कांग्रेस खिलाफ रहे इसको लेकर भी चर्चाएं की गई, आज जीएसटी पर बात करेंगे, आज जीएसटी पर बात करेंगे। सर रिक्वेस्ट है आपसे, बोले सुन नजरिया देखिए ना, देश के बारे में आपका नजरिया क्या है, आप लोग खिलाफ रहे वो भी अपने आप में बात है, लेकिन जीएसटी पर रहिए ना, जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। ज्योति जी हमारी बात अधूरी रह गई थी, ये है कि टैक्स की जब हम बात करते हैं, एक जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफी मुझे लगता है इमर्ज किया है कि जीएसटी का जो बेनिफिट्स है सामान्य आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है,
इसके लिए कंपनी वाले जिम्मेदार हैं, वो एमआरपी पे सामान बेच रहे हैं। हाँ। उनकी उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे ना तो सरकार की ध्यान है ना एक्टिविस्ट्स की ध्यान है। वो एमआरपी पे सामान बेचते हैं, एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, तो लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। टैक्स का देखिए, हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्स का, उसमें क्या शेयर है? कॉर्पोरेशन टैक्स का 19% शेयर है, इनकम टैक्स जो सैलरीड लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 16%, जो आपका टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, और सर्विसेज जो अदर टैक्सेस हैं वो 23% है, और आपको जो उधार लेती है सरकार वो 20% वो कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारा जो कलेक्शन है इसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस का, जीएसटी टाइप टैक्सेस का, वो बहुत कम है। इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा, वो नहीं हो पा रहा है कि ह्यूज इवेजन है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो ब्रेजन इवेजन है टैक्सेस का, और मिडिल क्लास के जो ये है चाहे हाइयर क्लास है, टैक्स की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इवेजन की। ईमानदारी से लोग टैक्स कंपनी वाले पे नहीं करते हैं, वो इवेट करते हैं, वो टारगेट दिया जाता है। हाँ, उसके वाला ईमानदारी बनो, ईमानदारी कोई कानून नहीं, मैं कहता ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। उसको बढ़ाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ईमानदार क्या होगा भाई, सजा और बढ़ानी चाहिए। बताइए, दर्शक को अपनी राय देनी है, फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। प्रीतपाल जी आप हैं फोन लाइन पर, बोलिए। प्रीतपाल सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क टूटा है, बड़ी बात, देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिशें कीजिएगा। अत्रे साहब, बातें ये भी निकलकर सामने आई कि राज्य सरकारों को जितनी जरूरत थी कि कॉपरेट किया जाए केंद्र सरकार के साथ, उतना नहीं किया गया। देखिए, जहां तक इस तरह की बात अगर की जाती है कि राज्य सरकार ने कॉपरेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधाभास तो हो सकता है। कहीं पे कांग्रेस की सरकार अगर स्टेट में और केंद्र के अंदर भाजपा है जो जीएसटी को लागू कर रही है, तो लेकिन जब भी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसमें मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, हर प्रदेश की भागीदारी उस मीटिंग के अंदर रहती है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई वाजिब तर्क है। लेकिन एक चीज जो अभी राजीव जी बात कर रहे थे, देखिए टैक्स इवेजन है, एमआरपी पे माल बिक रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। खास तौर पे मेडिसिन का जिक्र करूँ तो एक दो एक्सपीरियंस मेरे भी ऐसे रहे हैं कि एमआरपी में मुझे मेडिसिन मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो टारगेट टैक्स कलेक्शन का केंद्र सरकार ने रखा, और आप जीएसटी लेके आए इस प्रपोजल के साथ कि एक तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लगातार 4 क्वार्टर की टैक्स कलेक्शन को देखते हैं, तो जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, टैक्स कलेक्शन कम हुआ, तो कहीं ना कहीं वेजन एक उसका रीजन रहा होगा। लेकिन ये किसका काम है इवेजन को रोकना? सरकार का काम है। सीधे तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की कंपनीज, इस तरह के जो उद्योगपति हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ रोके उनको, जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, वो भी एक बहुत सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, अब मैं बैंकिंग की बात करता हूं, देखिए बैंकिंग, बीमा, अगर आप इन चीजों को भी देखें, जहां 15% टैक्स होता था वहां 18% कर दिया गया। 3% टैक्स बढ़ेगा तो आम उपभोक्ता पे उसका बोझ बढ़ेगा, आम उपभोक्ता के लिए वो सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। ये यहां पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को तो कोई राहत मिली नहीं है, उसके ऊपर तो बोझ बढ़ गया उसका। गुरदीप सिंह जी, क्या राय है आपकी इसी बात को लेकर, कमेंट आपका? हां, इसमें ऐसा कि रेट्स ऑफ टैक्स तो बढ़े हैं, क्योंकि हम अगर पिछले टैक्सेस पे देखें, प्री जीएसटी पीरियड में देखें, तो सर्विस टैक्स का जो हायर रेट था वो 15% था, और हम सेल टैक्स वैट्स का भी लगा ले तो एवरेज 20-22% से ऊपर नहीं जाता था, जो कि जीएसटी के आने के बाद ये बात दुरुस्त है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे है कि 28% रेट है, लेकिन एवरेज हम करते हैं तो 20-22% से ऊपर का टैक्स रेट आ जाता है। सरकार अगर चाहती है कि कलेक्शंस ज़्यादा हों, तो उनको अपने इंप्लीमेंटेशन स्कीम्स में और अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करना चाहिए ताकि इवेजन कम हो। अब इस चीज़ में एक और चीज़ में और जोड़ना चाहूँगा कि जो चीज़ें पहले एग्जेम्प्ट थी सर्विस टैक्स में और वैट में, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जहाँ पे कि अब मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि रिलीजियस मोड गुरुद्वारे के लंगर पे हो गया जीएसटी हो गया, एग्रीकल्चर चीज़ों पे जीएसटी हो गया, अगर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद भी अगर टैक्स रेवेन्यू या कलेक्शंस नहीं हुई हैं और व्यापारियों को रिफंड में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ को दुरुस्त करना जरूरी है, इस चीज़ को दुरुस्त करना जरूरी है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन से पहले थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसके पोर्टल को देखा जाता, उसकी ट्रेनिंग दी जाती प्रोफेशनल्स को भी, व्यापारियों को, तो ये और बेहतर हो जाना था। जी, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो एक स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, नोट दैट, एंड हम इसमें कर रहे हैं, और गवर्नमेंट साहब से 8 महीने गुजर जाते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत मान रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट जी जी
फर्स्ट थिंग, तो शुरुआत आप इसे कब कैसे कहेंगे और कब कहेंगे? जुलाई से लेकर अब तक का जो समय है उसमें जनता को कहा जाए कि जटिल अगर है इसे समझिए, हम लोग इसमें बदलाव करते रहेंगे। जी बताइए। एक सेकंड, एक तो ये जटिल शब्द को आप एक तरफ रखिए, दूसरी बात जटिल को लेकर ही आपका जटिल शब्द ही इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है। इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट थिंग ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और नेचुरली जिस तरह के हमें फीडबैक मिल रहा है गवर्नमेंट उस पर बहुत अलर्ट भी है, जिस तरह के चेंजेस आएंगे वो जब भी हम कोई रिफॉर्म लाते हैं, कोई भी नई टेक्निक या कोई भी नया सिस्टम लाते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जटिल शब्द को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि जटिल विपक्ष कहता है, विश्व बैंक इसे जटिल कहता है, आप कहते हैं कि जटिल मत करो। एक मिनट प्लीज जी, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है जटिल क्या है कि हमने इसको 5 स्लैब्स में कन्वर्ट किया है, उसकी जटिलता क्या है ये, और दूसरा ये क्योंकि हमने इसको मल्टी स्टेज रखा है तो जिसकी वजह से जो इनपुट्स है और जो आउटपुट्स है क्लासिक सुधार कीजिए ना, जटिल की तरफ मत रखो, सुधार होते रहेंगे, इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसको आप रखने की क्या जरूरत थी, जो दो बने हुए थे वो ठीक थे ना पहले, अभी आपने 5 क्यों किए उसको, आप 5 से 2 पे आओगे। जो अरुण जेटली जी कह रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को समझने की कोशिश की, हमारी जो डेमोग्राफी है इसी वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमी तो बैठे हम सुनने के लिए, मैम आप ही तो देखिए पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते। नीलम जी ये कहते हैं कि गुड एंड एकदम सिंपल टैक्स है ये जीएसटी जो है, उसके इसको समझने फुल फॉर्म ही बताई गई, ये एक नया बदलाव है, इसमें अडैप्ट करना जरूरी है क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम। नीलम जी देखिए एक चीज पता क्या है, नीलम जी एक चीज, आपने बार बार जटिल शब्द को बाहर रखने की बात कही और आप मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, रुकिए आप फिर एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। नीलम जी सुनिए, नीलम जी सुनिए, आपने ये कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत सरल है। नीलम जी रुकिए आप जरा सुनिए, देखिए अगर आप चंडीगढ़ में बैठे, अगर आप चंडीगढ़ में बैठ के ऑनलाइन प्रोसेस को सरल बोलेंगे तो हो सकता है, ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है आपके लिए सरल हो, लेकिन एक छोटे व्यापारी से जाके पूछिए जिसने कभी कंप्यूटर के कीबोर्ड में उंगली तक नहीं मारी, उससे पूछिए कि वो कैसे रिटर्न फाइल करे, क्या वो प्रोसेस को समझ पाएगा? उनका टर्नओवर ही नहीं है भाई। ज्योति 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 एक मिनट, अभी जो है हमारे करीबन 350 जो ये हैं ईमेल सेंटर, जो ई सेंटर्स हैं जहाँ पे कि करीबन 356 सुविधाएं एक ही सेंटर पे उपलब्ध है, आपको सिर्फ वहां जाना है, वहां पे ऑपरेटर्स बैठे हैं, आप किसी भी तरह का अकाउंट किसी भी तरह का वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी एंट्रेंस वहां पे करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, पहले वो सीए के पास जाएंगे उनसे अपनी रिटर्न तैयार करवाएंगे, फिर आपके ई सेंटर पे जाएंगे उनको बोलेंगे सीए साहब बता देंगे तैयार कर सकते हो, बढ़ते समय के साथ राहत दी जाएगी, आसान किया जाएगा, आप ये बोल सकती हैं कि आसान किया जाएगा, इशू को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उसका खर्चा बढ़ गया, प्रावधान है उसको भी थोड़ा आसान किए जाने की जरूरत। देखिए आप ये देखिए वो कैसे होंगे, जब जहां जिस राज्य में बिजली का प्रॉब्लम है, जिस राज्य में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिस छोटे दुकानदार के पास, मैम आपके पास होगी लेकिन जो दुकानें हैं गांव हैं जो कस्बे हैं उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर 4-4 घंटे के 8-8 घंटे के कट लगते हैं, उसमें ना बिजली है ना इंटरनेट है ना सुविधा है, और वहां पे आप जो रिटर्न का प्रारूप है उसके अंदर टाइम बाउंड है, इस इतने टाइम के अंदर रिटर्न भरनी है, वो नहीं भर सकता, इसीलिए वो सारा आपका खत्म हो रहा है। आपने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया है वो लिया आपने, जो फ्री लंगर गुरुद्वारों में बंटता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है, मैं आपकी भर्त्सना करता हूं आपके चैनल के जो माध्यम से बीजेपी की, इस तरह का घटिया जो टैक्स लगाया है, जो आप ऐसा प्ररूप लेके आ रहे हैं कि जो फ्री लंगर गुरुद्वारे के अंदर बंटता है या मंदिर के अंदर जाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं ना, ये आप जुल्म कर रहे हैं सारे देश के ऊपर, ये बहुत एक गलत प्रथा आपने जारी है, इसको फौरन वापस लेना चाहिए आपको, और जी अगर ये काम नहीं करोगे तो सबसे बड़ा जो आदमी एक गरीब आदमी लंगर खाने फ्री जाता है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बहुत गलत है। जब पार्लियामेंट में जीएसटी बिल आया था तब तो आपने उसके पक्ष में मतदान किया था, अरे आपको आपके मर्जी के लिए कैसे पास हो गया, सदन में आप लोग राजनीति करते हैं, सदन में आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सदन में आप लोग
शुक्रिया सभी का शुक्रिया करने के लिए वक्त देने के लिए। तो जीएसटी कितना जटिल है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं, इसको आसान किए जाने के, इसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।